हेलो गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने। ये हमारे साथ धर्मेंद्र जी है और ये हमारे साथ छोटे भाई है और ये धीरेन भाई। सब लोग चाय की चुस्की ले रहे हैं। कहाँ दिखाई पड़ रहे हो इसमें? हाँ दिखाई पड़ रहे हो। और ये हमारे साथ माननीय उन्नाव के विधायक जी के सुपुत्र हैं, यानी कि छोटे विधायक जी साथ में हैं, जो कि गाड़ी में चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। और हम सब लोग जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने। यहाँ पे रुके हुए हैं, आराम से कुल्हड़ की चाय पी रहे हैं। ठंड बहुत तगड़ी है, देखिए आप लोग, यहाँ पे लोग आग ताप रहे हैं, इतनी तगड़ी ठंड है। अब हमें लग रहा है कि सब लोग फंस गए हैं आज, स्वेटर वेटर नहीं लेके आए, सुबह कैसे नहाया जाएगा। बाकी आगे आप लोगों को दिखाते हैं बाबा के दर्शन, अगर संभव हुए तो आप लोगों को मैं कराते हैं। फाइनली हम सभी लोग चाय पी चुके हैं और अब निकल रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं। प्रस्थान, माननीय हमारे विधायक जी गाड़ी चला रहे हैं। रोड सही ना? जय श्री खाटू महाराज की जय। गुफा कितने? 5 किलोमीटर है। ये अंधेली गुफा है और ये पहाड़ों को काट के बनी हुई है। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। क्यों ना? सुबह के बज रहे हैं 8 और हम लोग खाटू श्याम से लगभग 50 किलोमीटर यहाँ पे दूरी बची हुई है, हम लोग पहुँच चुके हैं। और माननीय विधायक जी हमारे साथ सो रहे हैं। हमारे बड़े भैया धर्मेंद्र भैया जी आगे बैठे हुए हैं, धीरेन भैया तो अपना गाड़ी चला रहे हैं, मंद मंद मुस्किया रहे हैं। ये आगे का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। ऐसे जंगली जैसे सब लोग हो गए हैं, रात भर का सफर हो गया है। शाम को हम सब लोग 6 बजे चले थे लगभग, क्यों भैया? 6 बजे सब लोग चले थे। फिंगर्स का गोल दिखाते हो? 8 बजे, 8:16 हो चुका है। गूगल मैप अभी दिखा रहा है 130 किलोमीटर। वैसे जो यहाँ पे हाईवे पे बोर्ड लगे हुए हैं 51 किलोमीटर, भगवान जाने कौन से खाटू से हम लोग जा रहे हैं, कौन से खाटू से हम, गूगल मैप दिखा रहा है। सब लोग पहली बार जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जाते हैं बाबा की मर्जी। किस खाटू धाम में दर्शन कराएंगे। और हाँ एक चीज, यदि इस मौसम में आप लोग खाटू से हम आ रहे हैं तो एक स्वेटर एक टोपा बिल्कुल लगा लेना, हो सके तो नीचे पैजामिया जेबिया भी डाल लेना। माननीय विधायक जी कुछ कहेंगे आप? पैजामिया जेबिया डालनी है कि नहीं डालनी है? चलिए मिलते हैं आगे आप लोगों से। देखिए इनके सामने आने पे ना आगे का दिखेगा ना पीछे का दिखेगा, भगवान जाने कैसे लात के ला रहे हैं भूसा। हमारे धर्मेंद्र भैया कुछ कह रहे हैं। हाँ भैया क्या कह रहे हैं? साफ सुथरा में क्या करना है? ऐसा बताओगे तुम? साफ सुथरा में थोड़ा तेजी बोल दो भैया। नहीं बोलोगे? शर्मा आ गए गाइस, कोई बात नहीं है, आगे हम आप लोगों को बता देंगे साफ सुथरी जगह ढूंढना भैया। अब सुबह का समय है, साफ सुथरी क्या ढूंढेंगे, बस वही है, समझ सकते हो आप लोग। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं होटल लिंगस पैलेस। यहाँ पे अब लास्ट अंतिम चाय है और हमारे भाई की जानू का फोन आ गया है, वो उधर लगे पड़े हैं। ठीक है, बाकी आगे आप लोगों को बाबा के दर्शन कराते हैं। माननीय विधायक जी कुछ बोलना चाहेंगे आप? विधायक जी बड़े शांत स्वभाव के हैं, बोलने के लिए कह रहे हैं अपना अपना ये कार्य क्षेत्र नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा कम बोलना ही ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी आपको आगे के दर्शन कराते हैं बाबा के। ये हमारे साले साहब हैं और थक गए हैं बहुत ज़्यादा, गाड़ी कुछ ज़्यादा चल रही है, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में चाय लेना जरूरी है। हाँ तो गाइस हम लोग नहा धो के हो गए हैं रेडी बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए। ये हमारे साथ सभी लोग जो भी लोग आए हुए थे। चलिए अब आगे चलते हैं और आप लोग भी आगे का दृश्य दिखाते हैं। ये देखिए आप, ये यहाँ पे निशान इसको बोलते हैं, जो कि झंडा लगे हुए हैं, बहुत ढेर सारे लगे हुए हैं। और ये बाबा का दरबार है जिसका गेट है, मतलब
आप लोगों को दिख रहा होगा, बाकी अभी नजदीक चल के अभी दिखाते हैं हम आप लोगों को। ये बाबा को चढ़ता है यहाँ पे गुलाब और शायद प्रसाद वगैरह कुछ नहीं चढ़ता है। फिलहाल हम लोग पहली बार आए हुए हैं और आप सभी लोग जय श्री राधे ये कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा खाटू के धाम और दर्शन करने, और जहां तक मेरी जानकारी में है अंदर फोटो नहीं अलाउ है, जहां तक अलाउ हो सकता है वहां तक हम आप लोगों को दिखाते हैं, और अगर संभव हुआ तो अंदर का भी दृश्य दिखाएंगे। तब तक आप लोग बाहर का दृश्य देखिए, यहां पर ऊंट वगैरह बहुत ढेर सारे हैं, बड़ा ही सुंदर और भव्य नज़ारा है। ये देख सकते हैं आप, ऊंट है, लोग ऊंट की सवारी पे सेल्फी वगैरह खिंचवा रहे हैं। ये बाबा खाटू श्याम का दरबार है। हमारे सब सहपाठी लोग आगे दे दना दन जुटे पड़े हैं दौड़ लगाने में, हम लोग पीछे रह गए हैं। अभी लोग बाबा के दरबार में दर्शन के लिए गेट से एंट्री कर चुके हैं, जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने। ब्रजवासी मिष्ठान भंडार राजमहल इमली मिल रही यहाँ पे इमली है भेद है। जय श्री राधे। आप लोग कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखते जाए, कौन कौन बाबा के दरबार खाटू श्याम दर्शन करने आ चुका है कमेंट में बता दीजिएगा। फिलहाल मैं प्रथम बार आया हूँ बाबा के दरबार, लेकिन बड़ा ही सुंदर और भव्य नज़ारा है यहाँ का, और बहुत ही अधिक संख्या में भीड़ है यहाँ पर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त भीड़ है। हमारे साथ के कुछ लोग आगे पीछे हो गए। बहुत ही तकलीफ हो रही है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बाबा की सुंदर सुंदर सांती। बड़ा ही भव्य नजारा है। बोलो खाटू नरेश की जय। कुछ लोग हमारी टीम पे छूट गए आगे, ये सब लोग अपने अपने चुन्नी ले रहे हैं। बाबा खाटू श्याम जी, धीरेन भैया, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अमेर भाई 200 रुपए दे दिए। हम लोग आ चुके हैं श्याम कुंड, ये है श्याम कुंड, ये है श्री श्याम कुंड।
यार ये हमारे पहले भी पहुंच चुके हैं, वीडियो में रखे थे बाबा श्याम कुंड में। श्याम कुंड में लोगों ने अपने हाथ पैर धुल लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने नारियल वगैरह लगे हुए हैं। यह है श्याम कुंड का नजारा। सहारा ये खाटू श्याम हमारा। सभी लोग आ चुके हैं बाबा के दरबार, जय श्री खाटू नरेश। और हमारे साथी लोग इस लाइन में हैं, हमारे साथी लोग इस लाइन में हैं, फिलहाल हम लोग मिस हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, सब लाइनें एक ही जगह जाएंगी। जय हो खाटू नरेश। बाबा के दर्शन नहीं करा पाए, जय हो खाटू नरेश, जय हो बाबा, जय हो बाबा। हाँ बाबूजी, बाकी दर्शन करके लौट आए, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हैं। बाकी सब लोग मिस हो गए हैं लोगों के साथ से। जय श्री राधे, जय श्री खाटू श्याम। बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने से एक बार से दिल नहीं भरा, हम लोग फिर से एक बार लाइन में लग गए हैं और इस बार करीब वाली लाइन में लगे हुए हैं। खाटू नरेश की जय, जय श्री राधे। बाबा के पट खुल चुके हैं और ये भोग लगने के बाद दर्शन करके आ गए हैं। जय श्री राधे, जय श्री खाटू श्याम, जय हो बाबा। फाइनली हम सभी लोग बाबा के दरबार से दर्शन कर चुके हैं और ये भैया क्या कर रहे हैं दर्शन कर चुके हैं और दर्शन करने के बाद अब यहाँ से हो सकता है हम लोग कहाँ चलेंगे, मेहंदीपुर बालाजी चलेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री राधे। सर बैठिए।